नमस्कार, जम्मू परिवर्तन न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय जम्मू परिवर्तन की टीम पुलावाला के सेक्टर बदवाल में खड़ी है। मैं आपको बताते चलूं कि ये सीमावर्ती क्षेत्र एलओसी का एरिया है, यहाँ पे इस टाइम हम मौजूद हैं बदवाल एरिया में। मैं आपको सीधे विजुअल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत रात को की गई और किस तरह बदवाल में यहाँ पे आके शैल गिरे। ये अब मैं आपको सीधे विजुअल दिखा रहा हूँ। चार सिविलियंस की मौत हुई है और कई जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर इन मासूम लोगों को निशाना बनाने की नियत से क्या कहेंगे आप, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है, क्या कहेंगे, क्या वाक्य हुआ था आपको? सर, जहाँ के हालात बिल्कुल बदतर है, हम तो इतने दुखी हो चुके हैं पाकिस्तान से। गांव वाले तो बिल्कुल इतने दुखी हैं, जब खाने का टाइम मिलता है जे पाकिस्तान वाले बिल्कुल खाने नहीं देते। इनका इतना बदतर हालात करो हिंदुस्तान वाले, हमारे आर्मी इतनी अच्छी है ना कि हम इनके सिर पर ही बैठे हुए हैं। अगर ये गंदे लोग हैं पाकिस्तान के, इनको सबक सिखाया जाए, सबक इतनी बुरी तरह सिखाया जाए, इनको भी याद आ जाए, इनकी नानी याद आ जाए कि हम क्या है क्या नहीं है। क्या कहेंगे आप राष्ट्र को, किस तरह का माहौल? सर, बहुत गंदा माहौल था, बहुत डर के टाइम निकाला है। रात के 11 बजे से फायर शुरू हुआ है, रात के 3:30 बजे तक हम ऐसे डर के स्टोर में बच्चों के साथ, बच्चों आधे बच्चों को तो बुखार हो गया, बीमार हो गए डर के मारे। बहुत गंदा टाइम निकाला है ये, 11 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक अंधाधुंध फायरिंग की है पाकिस्तान ने, अंधाधुंध फायरिंग की है। सभी जान माल, सभी गांव वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी साइड, दूसरी तरफ जाओगे आप मंदिर के सामने, उधर भी बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, आधे जानवर मरे हैं, छतों को नुकसान हुआ है उधर भी। हमारे घर का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, आप कैसे देख सकते हैं, ये देखो क्या हुआ है। हम आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हमारी यही अपील होगी कि पाकिस्तान को जैसे तैसे हो सबक सिखाया जाए। क्या कहेंगे सर आप? हम सर ये कहेंगे, हम बॉर्डर के लोग हैं, इधर जीरो लाइन है, हमारे 1 किलोमीटर है पाकिस्तान को। हम यही अपील सेंट्रल गवर्नमेंट से यही करना चाहते हैं, मोदी जैसा आदमी होगा नहीं कोई। मोदी ने जो काम किया अच्छा किया, हमारी फौज का बहुत दिल बढ़ाया है, हमारी फौज ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको पाकिस्तान को पता चला कि हिंदुस्तान की फौज ने कोई जवाब दिया है। हम भी गांव छोड़ने वाले नहीं है, नहीं तो गांव करने वाला है, इधर पूरे गांव वाले एकदम फौज के साथ हैं। हम गांव इसलिए छोड़ते, फौज का बहुत हौसला बुलंद करते हैं हम। फौज हमारी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, बहुत जिया रामचंद्र की। ये है मोटरसाइकिल, ये हमारे घर के सामने गिरे हैं, रात को हमारे ये पता नहीं कि हम जिंदे हैं नहीं। हम अपने शरीर को हाथ लगा के देख रहे हैं, स्प्लेंडर हमारे अंदर घुसे हैं, पर ये माता वैष्णो की मेहर है जो कि हम बच गए हैं। और हम यही सब इतने हम दुखी बहुत हैं। हम गवर्नमेंट से
यही अपील करते हैं हमारे को पीछे थोड़ी जगह दी दी जाए, हमारे मकान बनाए जाएं इधर तो हमारे मकान इधर बनाए जाएं पीछे, तो जो कि हम सुविधा रहे, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे कोई जीरो है, हमारे बच्चे दसवीं पास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको साल में 6 महीने बाहर भागना पड़ता है, हमारे जो पेपर आते हैं बच्चों को कोई भी कुछ नहीं पूछता है, इतने हमारे बच्चे हैं, इनकी भर्ती लग होनी चाहिए, बॉर्डर की झुंड लग बननी चाहिए, जो कि हमारे जवान जो बॉर्डर से हम पूरी उम्र दुखी है, हम पाकिस्तान को बदला लेंगे और ये हमारे बच्चे भर्ती किए जाएं, पाकिस्तान को हम अंदर जाके मारेंगे, ये हमारे हम गारंटी, हम मर जाएंगे, हम पीछे झुकेंगे नहीं, हम मोदी जी को यही बोलेंगे, हम हमारे ये बच्चों की भर्ती है दसवीं पास नहीं होना चाहिए, ये हमारे बच्चे सर बिल्कुल हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चे दसवीं पास कोई नहीं कर रहा है, हमारी बच्चों की अंडर मैट्रिक भर्ती होनी चाहिए, वो भी दलेर बच्चे हैं, हमारी पूरे गाँव के बच्चे हैं, भर्ती ऐसी होनी चाहिए कि ये पता चले गए पाकिस्तान को ये बॉर्डर के लोग हैं, हम डरते नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं पाकिस्तान को, हमारे बच्चे हैं ना जो इतने गिद्धड़िए बनाए हुए हमने, पाकिस्तान पता लग जाएगा कि बनाओ सारा मेन टीचर अंदर अंदर रतन लाल मेरा नाम है, रातीं 10 बजे खैर शुरू होया, इस वास्ते मतलब खैर नहीं हुई है, खैर स्कूल पवा ते बाकी ठीक है जी, जो कुछ हो रहा ते ठीक है, फिर मतलब फिर शीशे टूटी गए मकान के अंदर, जहाँ रात से 10:30 बजे से फायरिंग चल रही है, काफी लोग डरे हुए हैं, ये आज से नहीं है, ये 99 से है कि बदवाल एक ऐसा गांव है जहाँ लोग बिल्कुल नहीं डरते पाकिस्तान से, पाकिस्तान बार बार डराता है लेकिन ये डरते हैं, इनका दिल देखिए और इनका दिमाग देखिए, इनमें एकता है और ये लोग इसी वजह से बचे क्योंकि शिव शंकर की कृपा है, लेकिन ये फायरिंग इनके इनके घर में भी पूछ सकता था, ये हमारे सामने है, हमारे पंच के सामने की फायरिंग हुआ है और इनके सामने फायरिंग होने की वजह से ये बार बार बचे, एक बेटा और माँ जाने वाले थे, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही ये गोला फायरिंग हुआ है, अगर फायरिंग इनकी कृपा नहीं होती शिव शंकर की तो आज 2-3 नहीं 4 नुकसान होते, एक बैल मर गया। मैं करनैल सिंह बोल रहा हूँ पंच बदवाल से, हम इस समय गांव बदवाल पंचायत घर में खड़े हैं जहाँ पर रात को बड़ी जबरदस्त सेलिंग हुई थी, तकरीबन कोई 10 बजे के बाद शुरू हो गया था, और जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक बम पड़ा था 120 mm का, और जिससे एक बैल की मौके पर ही डेथ हो गई, एक बफेलो है जो जख्मी हुई है, और साथ में जितने भी घर पड़ते हैं उनके सभी मकान के शीशे पूरे टूट गए हैं, और लोग इतनी दहशत में हैं, पता नहीं है कि अभी भी इधर लोग कितने खड़े हैं, कोई पता नहीं अब भी फायर हो सकता है, तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि वो इन लोगों के बारे में कुछ सोचे, कुछ इनको क्या मैसेज रहेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान का मैसेज रहेगा कि ये लोग डरने वाले तो है नहीं है, पाकिस्तान से डरते तो नहीं है, लेकिन हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत।